इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं वेकलैंड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इसे और भी हम आसान बनाते हैं और किस प्रकार इनकी प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करेंगे, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में पूछने लायक हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूँ। दोस्तों लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक, हमने पढ़ा जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हमने पिछले चार पांच क्लासों में यही पढ़ते आए हैं कि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, और सारा खेल इसी का चला है और सभी चीजें हमने इसी से निकाली हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसे हम जेड मापांक इसके द्वारा हम डिनोट करते हैं। याद रखना है कि मॉडुलस को किसके साइन द्वारा डिनोट किया जाता है, तो जेड मापांक इसके द्वारा डिनोट किया जाता है, जेड मॉडुलस इसके द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। और इसकी रिजल्ट हमेशा याद रखना है एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर और इसका अंडर रूट। शायद आपने ये पढ़ा भी होगा, दोबारा इसे रिपीट कर लीजिए, जेड मापांक की वैल्यू होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट, वर्गमूल कुछ भी कह दीजिए, तो ये जेड मापांक की वैल्यू होगी और इसे हम कहते हैं इसका मॉडुलस। किसका मॉडुलस? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ वैल्यू भी आती हैं कि जेड का मॉडुलस निकालिए। तो ये जेड का मॉडुलस क्या हुआ, जेड के मापांक लेंगे तो इसका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट ही क्या होता है जेड का मापांक। एक एग्जाम्पल देखिए, स्टिक सा एग्जाम्पल हम करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जेड की वैल्यू आपके पास है 3 + 4 आयोटा, ठीक है, हमें कहा है कि इसका मॉडुलस निकालिए। भैया मॉडुलस निकालेंगे हम बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वेयर करना है प्लस वाई स्क्वेयर करना है और उसका अंडर रूट निकालना है। क्या है, 3 की स्क्वेयर करें प्लस 4 की स्क्वेयर करें और इसका अंडर रूट कर दें, तो जेड मापांक की वैल्यू कितनी होगी, 9 + 16, 16 और 9 = 25 और 25 का वर्गमूल करेंगे 5, तो जेड की वैल्यू मेरे पास, जेड मापांक की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही आपको एग्जांपल दे दे, आपको क्या एग्जांपल देगा, आपको एग्जांपल दे दे कि बताइए कि जेड बराबर अगर आपके पास सिर्फ 3 हो, जेड बराबर सिर्फ 3 हो, यानी जेड बराबर 3 है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है क्या, प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा लगाएं। इसी हिसाब से हम इसका मापांक निकालेंगे, जेड का मापांक 0 का कुछ नहीं होगा, 3 स्क्वेयर और इसका अंडर रूट किया तो वापिस 3 ही मेरे पास आ गया। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। दोबारा सुन लीजिए, जेड मापांक क्या होता है, जेड मॉडुलस क्या होता है, जेड मॉडुलस यानी जो रियल पार्ट है उसकी स्क्वेयर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वेयर, यानी एक प्रकार से इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कह सकते हैं हम, क्या जेड मापांक की वैल्यू होगी रियल जेड की स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी जेड की स्क्वेयर का अंडर रूट ही मेरे पास क्या होगा, जेड मापांक होगा। बहुत आसान है चीज़ें क्लियर करना और आपको एग्जांपल के द्वारा भी मैंने ये क्लियर करवा दिया है, बिल्कुल इजी से सिस्टम है। अब देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। अब देखिए, जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखिए, जेड मापांक मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो नंबर वन है जेड मापांक, जेड मॉडुलस या मापांक एक ही बात है। जेड मॉडुलस की वैल्यू आप देखिए, अगर जेड मापांक का अर्थ क्या हुआ था यहाँ पर कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट, यानी यहाँ से कौन सी नंबर को कौन सी नंबर हमें मिलेगी, यानी यहाँ से हमें क्या इमेजिनरी नंबर मिलेगी या रियल नंबर मिलेगी, कौन सी नंबर मिलेगी, तो आप देख पाएंगे यहाँ से हमें रियल नंबर मिलेगी, क्योंकि दोनों एक्स और वाई तो रियल हैं और इनका स्क्वेयर करना है तो क्या होगी, रियल, तो जेड मापांक की वैल्यू हमेशा रियल नंबर होगी। और देखिए, क्या ये कभी जीरो से छोटी होगी, जीरो से छोटी हो ही नहीं सकती, जीरो से छोटी नहीं होगी तो हमेशा जेड मापांक की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगी। तो पहली प्रॉपर्टी यही है। अब देखिए, नंबर दो प्रॉपर्टी क्या है, ये जेड मापांक की वैल्यू यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिए, मापांक के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों माइनस होंगे, स्क्वेयर करेंगे वापस प्लस के होंगे। यहाँ पर अगर आप
यहाँ पर अगर आप संयुग्मी लेते हैं, संयुग्मी यानी यहाँ पर x माइनस आयोटा वाई लेते हैं और इसका आप मापांक निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, तो वो भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा, क्योंकि इसका भी स्क्वेयर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर z आयोटा लेते हैं, आयोटा की मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर आयोटा की मल्टीप्लाई कराई, यहाँ पर प्लस कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आयोटा की मल्टीप्लाई कराई और यहाँ से आयोटा आयोटा किया तो माइनस यानी माइनस, अब इसका स्क्वेयर कीजिए, हमें तो ये नंबर चाहिए क्योंकि अब इसमें ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, वापस वही सिस्टम, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, वही सिस्टम होगा। नंबर तीन प्रॉपर्टी क्या है, नंबर तीन, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने जड का मापांक हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि जड का मापांक माइनस जड, जड की सुगमी और जड आयोटा, इन सभी का जो मॉडुलस लेंगे वो सभी का इक्वल होगा। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं मापांक का इसका स्क्वेयर करूं, मापांक लिया यानी ये मेरे पास है मापांक की स्क्वेयर की, तो मैंने मापांक की स्क्वेयर की तो मेरे पास क्या मिला, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये इक्वल होगा किसके, एक बार याद रखें किसके, शाबाश किसके, जड मापा, जड इंटू जड संयुग्मी, जड इंटू जड कॉन्जुगेट, जड का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे है सर ये, आपके आपको पता है जड बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जड संयुग्मी क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं, जड बराबर जड करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और यहाँ से आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये रिजल्ट देख लीजिए, ये रिजल्ट देख लीजिए क्या है, इक्वल है, तो यानी जड मापांक की स्क्वेयर हमेशा इक्वल होगी किसके, जड इंटू जड की जो कॉन्जुगेट होती है उसका मल्टीप्लाई हमेशा उसके इक्वल होगा। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए, अब ये सिंपल सी है कोई फर्क नहीं पड़ता, z1 z2 दोनों का मल्टीप्लाई किया फिर उसका मापांक निकाला, रिजल्ट मिलेगा मुझे, या तो आप पहले ही मापांक निकाल लें z1 का, और या फिर दूसरे z1 z2 का मापांक निकाल लें, पहले तो दोनों का मल्टीप्लाई किया फिर मापांक लिया तो रिजल्ट मिला, और दोबारा हमने क्या किया कि z1 और z2 का अलग अलग मापांक निकाल कर अलग अलग मॉडुलस निकाल कर मल्टीप्लाई किया तो दोनों का रिजल्ट हमें इक्वल मिलेगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, करके भी देख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। z1 अपॉन z2 का मापांक हमने निकाला, वही प्रोबात होगी कि z1 अलग अलग मापांकों के बराबर होगा, अलग अलग जो मॉडुलस हैं उनके इक्वल होगा, यह यहाँ पर क्या होगा, z2 नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, आपको भी पता है, देख लें प्रॉपर्टी एक बार, इन्हें अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं कोई बात नहीं, आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी और रही हैं, उन्हें सलटाते हैं हम। नंबर छः प्रॉपर्टी, अगर जड मापांक इक्वल वन होगा, जड मापांक इक्वल वन होगा कब दोस्तों, यहां पर अगर जड की संयुग्मी इक्वल वन अपॉन जड, ये चीज़ समझ में नहीं आई सर, कैसे हुआ ये, अब समझिए, देखिए कैसे हुआ ये चीज़, जड मापांक इक्वल वन है यानी जो इसका मॉडुलस है उसकी वैल्यू वन है, अब ये ऐसे है, सॉरी ये ऐसे हैं, अगर जड मापांक की वैल्यू वन है तो ये चीज़ सत्य है, अगर ये चीज़ सत्य है तो जड मापांक की वैल्यू वन है, कैसे, अब देखिए यहाँ से अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, इधर करेंगे तो जड जड की बार इक्वल वन, यहाँ से ये रिजल्ट हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जड मापांक स्क्वेयर इक्वल जड इंटू जड की कंजुगेट, तो यहाँ से जड का मापांक का स्क्वेयर हुआ वन, और यहाँ से फिर मेरा रिजल्ट क्या मिला, जड बराबर वन, अगर यह है तो यह होगा, यह है तो यह होगा, और यह है तो यह होगा, यही इस साइन का अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर ये प्रॉपर्टी सत्य है तो ये होगी और ये प्रॉपर्टी सत्य है तो ऐसा होगा, तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, और इसी प्रकार आप इसे ये वैल्यू मानकर ये भी आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट मेरे पास ये होगा, ठीक है। ये होगी मेरी छठी प्रॉपर्टीज़, और लास्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी और रहती है जो एग्ज़ाम में नहीं, बस सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप भी जानते हैं, अगर ये है तो इसकी पावर हम इस प्रकार करके होल लगा सकते हैं, बस ये सात नंबर प्रॉपर्टी ये है, बिल्कुल आसान था, मॉडुलस कुछ नहीं है, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट और उसका अंडर रूट निकाल लें, क्या मिल जाएगा आपको, मॉडुलस मिल जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी पड़ी पाँच से सात,
पांच या सात प्रॉपर्टी पढ़ी, वो बार बार रिपीट करते रहें, एक दो बार वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।